तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी पर गूगल क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गूगल क्रोम को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउजर आपके पास है उसे ओपन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया है। इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल लिखना होगा। google.com पर जाकर आपको यहां पर सर्च करना होगा गूगल क्रोम डाउनलोड फॉर पीसी। तो जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आपके सामने ये जो पहला लिंक है आपको इसे ओपन करना है। और अगर आप डायरेक्ट इस लिंक पर जाना चाहते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी सीधा इस लिंक को ओपन कर सकते हैं और क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लिंक पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करना है डाउनलोड क्रोम पर। तो देखिए यहाँ पर फॉर विंडोज़ 10 8.1 8.7 64 बिट पर ये जो ब्राउज़र है आपका वो चलेगा। तो आइए अब हम इसे डाउनलोड करते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो आपको करना है डाउनलोड क्रोम मैनुअली। तो जैसे आप इसे मैनुअली स्टार्ट करोगे यहाँ पर आपको करना है रन पर। रन पर फिर से आपको रन क्लिक करना है। यहाँ पर यस कर देना है। और देखिए दोस्तों हमारा जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो अभी डाउनलोड होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा गूगल क्रोम है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसकी इंस्टॉलिंग होने के बाद आपके पास सीधा ये आपको गूगल क्रोम पर ले जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में ये गूगल क्रोम ब्राउज़र है जो वो डाउनलोड हो चुका है। जैसे मेरे यहाँ पर ये पहले ही इंस्टॉल था इसलिए इसने उसी गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसकी सफरिंग की बात करें, डाउनलोडिंग की बात करें, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे इससे आपको बहुत ही अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलेगी, इससे आपको बहुत ही अच्छी सर्विस मिलेगी। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, इस तरीके से आप अपने ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसी ही और ही वीडियोस आप तक पहुँचें।